जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस वीडियो हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के चैप्टर 2 रहेगा बच्चों, और इस चैप्टर संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, चाहे वैकल्पिक हो, चाहे अतिलघुत्तरी हो, चाहे लघुत्तरी हो, सब के विषय में चर्चाएँ करेंगे बच्चों। यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंस है। तो चैप्टर नाम है परिसंचरण तंत्र, रक्त का संगठन तथा कार्य, रक्त संचरण का यांत्रिकीकृतित्व तथा अंगों में उनकी आवश्यकता अनुसार रुधिर संभरण। आइए बच्चों, सबसे पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे जो है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे हैं आते हैं। तो बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन बच्चों कि रक्त संचरण आधान में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है। आपको समझ सर्वदाता सर्वग्राही, तो यहाँ सही है बच्चों, खा हो जाएगा बी हो जाएगा। देखो ये अगला क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं पूछा गया है, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग क्या है। तो बच्चों जो है परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग हृदय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित लाल रंग का वर्णक होता है क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन। फुफ्फुस सिरा में बहने वाला रक्त कौन सा होता है बच्चों, शुद्ध। यहाँ सही जवाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है, तो हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना, विभिन्न प्रकार के प्रतिविष तैयार करना, शरीर को रोगों की से रक्षा करना, इनमें सभी। सही जवाब बच्चों जो घाव हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। रक्त वर्गों की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है रक्त वर्गों की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं पूछा जा रहा है। शरीर में कौन सा अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धि दोनों में कार्य करता है, तो बच्चों घाव हो जाएगा फेफड़ा हो जाएगा। कौन सा रक्त कण रक्त जमने में सहायक है, तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा गा हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आप समझते हैं बच्चों क्या होता है, जैसे बचपन में जब कभी आपको देखो चोट लग जाती है तो खून ऐसे जो है जम जाता है, बस उसी को प्लेटलेट्स कहते हैं, समझ गए। इनमें से कौन सा अंग रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करने का कार्य करता है, तो जो है ब्रिक जो कहते हैं किडनी कहते हैं, वही है बच्चों। हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट कर रोगों से रक्षा करता है, तो बच्चों जो हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाएँ, सही जवाब हो जाएगा का हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएँ कौन सी हैं, तो इसमें से सही जवाब बच्चों घा हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स, ये तीनों जो है पाए जाते हैं, इसका सही जवाब घा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग जो है, अब बच्चों हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है। देखो रक्त वर्ग की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त वर्गों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, अगला अतिलघुत्तरी क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो उत्तर देखेंगे। देखो लाल रक्त कणिकाओं में स्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से जो है शोषित करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, या जो है कार्बन डाइऑक्साइड के विसर्जन में भी योगदान देता है। कार्बन डाइऑक्साइड बोले बच्चों जिसको हम लोग CO2 के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन कौन सी है, तो बच्चों ये उत्तर हो जाएगा एब्लूमिन, ग्लोबुलिन तथा फाइब्रोनिजन। लाल रक्त कणिकाओं का कार्य लिखिए, लाल रक्त कणिकाओं का कार्य लिखिए, तो नंबर 1 बच्चों रक्त को लाल रंग प्रदान करना, नंबर 2 शरीर में ऑक्सीजन का जो है परिवहन करना। धमनी से क्या आशा है बच्चों, तो आइए देखते हैं। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों में पहुँचाने वाली रक्त वाहिनियों को जो है धमनी कहा जाता है। वाहिनियों में इसका था बच्चों नली होता है। सीरा से क्या आशा है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को पुनः हृदय में पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियों को सीरा कहते हैं। वाहिनियाँ मिस होता क्या है, नली। अगला क्वेश्चन देखो, सब पूछे गए परीक्षाओं में, हृदय के कार्य लिखिए। हृदय का प्रमुख कार्य बच्चों शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुँचाना है, समझ रहे हो। हृदय ही शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण भी करता है, और हृदय शरीर में रुधिर को जो है पंप करने का भी कार्य करता है। जैसे पंप नहीं होता है, पंप ऐसे होती है, इधर पॉइंट और इधर निकलती है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कई बार परीक्षाओं पूछे जा रहे हैं। रक्त परिभ्रमण में रक्त नलिकाओं क्या भूमिका होती है, तो रक्त नलिकाएँ संपूर्ण अंगों को रक्त प्रदान करके शरीर का जो है पोषण करती हैं। अगला क्वेश्चन, रक्ताल्पा से क्या आशा है, आप क्या समझती हैं, रक्ताल्पा से आप क्या समझती हैं, तो बच्चों रक्ताल्पा का आशा है शरीर में रक्त की कमी हो जाना, मोस्ट इम्पोर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंस।
रक्तअल्पता, देखो नाम से लग रहा है रक्तअल्पता का असर शरीर में रक्त की यानी खून की जो है कमी हो जाना कई वर्षों से परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है। अब बच्चों हम लोग लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले लघुत्तरी जो कई वर्षों से लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए। बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, आप लोग समझ जाओगे धमनी और शिरा क्या है। बच्चों देखो सबसे पहले हम लोग धनी धमनी जिसको हम लोग नाड़ी कहते हैं, और शिरा बच्चों खून की नाड़ी या नली, खून की जो नली होती है उसे शिरा कहते हैं। कोई बच्चा शिरा नहीं समझ पाता शिरा क्या होता है, जो खून की नाड़ी या खून की जो नली होती है उसे शिरा कहते हैं, और धमनी ये भी जो है नाड़ी है, समझ रहे हो। जो देखो शरीर में होता है नाड़ी होता है, जैसे देखो ये है इसे अंदर होता है नाड़ी। अगला देखेंगे हम लोग जो है, देखो दोनों में अंतर बता रहे धमनी तथा शिरा में अंतर। देखो धमनियाँ जो है लाल रंग की होती हैं, केवल पल्मोनरी धमनी का रंग नीला होता है। धमनियों में कुछ धमनी कुछ अन्य प्रकार की होती हैं, तो पल्मोनरी अन्य प्रकार की धमनी है तो केवल पल्मोनरी धमनी का रंग बच्चों नीला होता है। लेकिन शिरा क्या होता है, देखो शिराएँ नीले रंग की होती हैं, केवल पल्मोनरी शिरा लाल रंग का होता है। धमनी के रक्त का प्रवाह हृदय से अंगों की ओर जाता है, जबकि बच्चों शिराओं के रक्त का प्रवाह अंगों से हृदय की ओर जाता है होता है, समझ रहे हो। नंबर 3, इनकी दीवारें लचीली मोटी व मांसपेशियों से पुष्ट होती हैं, इनकी दीवारें पतली तथा मांसपेशियों वाली होती हैं, ये शरीर में गहराई पर स्थित होते हैं, ये शरीर के ऊपर की ओर स्थित होते हैं, ये जो है पिचकने वाली नहीं होती, ये पिचकने वाली होती है, पिच पिच से कहते हैं। इनमें रक्त का दबाव अधिक हो रहता है, इनमें जो है रक्त का दबाव जो है कम होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, शरीर में रक्त के कार्य बताइए। शरीर में रक्त के कार्य ये भी कई वर्षों से पूछा जा रहा है, तो बच्चों शरीर में रक्त के कार्य हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, शरीर में रक्त के कार्य। शरीर रक्त शरीर में निम्नलिखित कार्य करते हैं, रक्त जो है शरीर में निम्नलिखित कार्य करते हैं। नंबर 1, शरीर में रक्त परिभ्रमण द्वारा अधिक गर्म भागों से गर्मी लेकर कम गर्म भागों में गर्मी पहुंचाकर शरीर के ताप पर जो है नियंत्रण रखता है। नंबर 2, रक्त हीमोग्लोबिन के कारण जो है संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का वितरण करता है। रक्त बच्चों आहार नाल द्वारा शोषित बचे हुए भोजन से उपलब्ध पौष्टिक तत्वों को जो है शरीर के प्रत्येक भाग में आवश्यकता अनुसार पहुंचाता है। नंबर 4, श्वेत रक्त कणिकाएं इसको WBC कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जीवाणुओं का भक्षण करके, जो बैक्टीरिया होती है यानी जीवाणुओं का भक्षण करके रोग से बचाव करती हैं। भक्षण मतलब बच्चों खा जाना जो है, समझ रहे हो। रक्त शरीर के ऊतकों को जो है क्रियाशील बनाए रखता है, या विभिन्न ग्रंथियों में आवश्यक रस बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थों का ग्रंथियों में पहुंचाता है, समझ रहे हो बच्चों।